अड़ताल हुई कहानी। यीशुऐ वायदा केरूदा मसीह सा। ज़ैबै परमेश्वरै दुनिया बणाई ता सब किछ शोभला ती, तैबै कोई पाप नी ती ऑथि। आदम होर हव्वा एकी दुज़ै सैंघै झ़ुरी केरा ती होर परमेश्वरा सैंघै भी झ़ुरी केरा ती। तेई बौगत कोई बीमारी होर मौत नी ती ऑथि। परमेश्वर ऐण्ढै दुनिया न झ़ुरी केरा ती। शैतान कीड़ै रै रूपा न बगीचे न हव्वा सैंघै गैला केरदा लागा, किबैकि सौ तेसा बै धोखा देणा चाहा ती। तैबै आदम होर हव्वै परमेश्वरा रै बरोधा न पाप केरू, किबैकि तिन्हैं पाप केरू ती। तैबै दुनिया रै सैभ लोका मौरा सी, किबैकि आदम होर हव्वै पाप केरू ती। तैबै किछ होर भी बुरा हुआ, ते परमेश्वरा रै बैरी बणै, ज़ुणिरा नतीजा निकलू कि तैबै न लेइया सैभियै पाप केरू सा। हर मांहणु पैदा होंणै न लेइया परमेश्वरा रै बैरी सी। परमेश्वर होर लोकै रै बिच्चा न शान्ति नैंई ती, पर परमेश्वर शान्ति देणा चाहा सा। परमेश्वरै वायदा केरू कि हव्वा होर तेसरै खानदानै शैतानै री मुंडी जेथणी, होर ऐ भी बोलू कि शैताना तेरी घुंडी डसणी। दूजै शब्दा न शैताना मसीह माना, पर परमेश्वरा सौ फिरी जिंदा केरना। एता न बाद यीशु मसीह शैताने री शक्ति हमेशा री तैंईंयैं खत्म केरनी। कई वर्षा बाद परमेश्वरै प्रगट केरू कि मसीह यीशु सा। परमेश्वरै नूहा बै एक जहाज़ बनाणै री तैंईंयैं बोलू, ताकि सौ तेई औड़ा न अपणै टबरा बै बचाई सकै ज़ो परमेश्वर भेजणु आला ती। ऐण्ढी तरह परमेश्वरै ते लोका बचाऐ ज़ो तेई पैंधै बशाह केरा ती। कई वर्षा तक पुरोहित परमेश्वर री तैंईंयैं बलि चढ़ांदै रौहा ती। ऐ रिहा सी कि लोकै पाप केरू, होर ऐण्ढा ती कि ते परमेश्वरा न सज़ा पाणै रै लायक ती, पर ते बलि चढ़ाई सका ती, पर ते बलि तिन्हरै पापा बै माफ नी केरी सकदी ती। यीशु सैभी न बड़ा महापुरोहित सा। तेइयै सौ केरू जो कोई नी केरी सकदा ती। तेइयै अपनी कीमती जान बलि होणै री तैंईयैं धिनी, जो सैभी रै पाप मिटाई सका सा। सैभी रै पापै री तैंईयैं परमेश्वरै तेइबै सज़ा धिनी। एसा बजह न यीशु सिद्ध पुरोहित ती। परमेश्वरै अब्राहमा सैंघै बोलू, मूँ तेरै ज़रियै दुनिया रै सैभ खानदाना बै आशीष देणी। यीशु मसीह भी अब्राहमा रै खानदाना न सा। परमेश्वर अब्राहमा रै ज़रियै सैभी खानदाना बै आशीष देआ सा, किबैकि जो यीशु पैंधै बशाह रखा सी परमेश्वर तिन्हां बै तिन्हरै पापा न छुड़ा सा। ज़ैबै ऐ लोका यीशु पैंधै बशाह केरा सी, तैबै परमेश्वर तिन्हां बै अब्राहमा रै खानदान मना सा। परमेश्वरै अब्राहमा बै बोलू कि सौ अपणै बेटै बै तेरी तैंईंयैं बलि केरी दे, पर फिरी परमेश्वरै इसहाका रै बदलै बलि केरनै री तैंईंयैं गौभू धिना। आसै अपणै पापा री तैंईंयैं मौरनु आल़ै ती, पर परमेश्वरै आसरै बदलै यीशु मौरनै री तैंईंयैं धिना। इस वजह न आसै यीशु बै परमेश्वरा रा मेमणु बोला सी। ज़ैबै परमेश्वरै मिस्र देशा न आखरी मुसीबत भेजी, तैबै तेइयै सैभी इज़राइली टबरा बै बोलू कि ते एक मेमणु बलि केरलै, ते मेमणु न कोई खूबी नहीं हुई लोड़ी। तैबै आपणै दरवाजै रै चौखटा पैंधै होर साइडा न तिन्हां तेई मेमणु रा खून लाणा ती। ज़ैबै परमेश्वरै सौ खून हेरू ता सौ तेई घौरा न आगै बै नौठा होर तिन्हरै जेठे शोहरू नहीं मारै। ज़ैबै तैण्ढा हुआ ता तैबै तेथा बै परमेश्वरै फसह रा त्यौहार बोलू। यीशु भी फसह रै एक मेमणु साई सा। तेइयै कैधी पाप नी केरू, तैबै तेइयै किछ भी गलत नी केरू। सौ फसह रै त्यौहारा रै वक्त मारू ती। ज़ैबै कोई यीशु पैंधै बशाह केरा सा, तैबै यीशु रा खून तेई मांहणु रै पापा री कीमत चुका सा। ऐ ऐण्ढा सा कि जैण्ढा परमेश्वर तेई घौरा न आगै नौठा ती, किबैकि सौ तेइबै सज़ा नैंई देंदा। परमेश्वरै इज़राइली लोका सैंघै एक वायदा केरू, किबैकि ते खास लोका ती ज़ुणा परमेश्वरा अपनी जाति होणै री तैंईयैं चुनै ती। पर ऐबै परमेश्वरै एक ऐण्ढा वायदा केरू सा ज़ो सैभी री तैंईयैं सा। तैबै ते परमेश्वरा रै लोका न शामिल हुआ सी। सौ ऐण्ढा तैबै केरा सा किबैकि ते यीशु पैंधै बशाह केरा सी। मूसा एक ऐण्ढा भविष्यवाणी केरनु आला ती, ज़ुणियै परमेश्वरा रा वचन बड़ी शक्ति सैंघै प्रचार केरू ती। पर यीशु सैभी भविष्यवाणी केरनु आल़ै न बड़ा सा, सौ परमेश्वर सा। तैबै जो किछ भी तेइयै केरू होर बोलू ते परमेश्वरा रै कोम होर वचन ती। तैबै पवित्र शास्त्र यीशु बै
परमेश्वरा रा वचन बोला सा। परमेश्वरै राजा दाऊदा सैंघै वायदा केरू ती कि राजै रै रूपा न तेइरा एक वंश परमेश्वरा रै लोका पैंधै हमेशा री तैंईंयैं राज केरदै रौहणा। यीशु परमेश्वरा रा बेटा सा, तैबै सौ राजा दाऊदा रा वंश सा जो हमेशा री तैंईंयैं राज केरा सा। दाऊद ता इज़राइली रा राजा ती, पर यीशु सारी दुनिया रा राजा ती। तेई फिरी दोबारा ऐणा होर हमेशा री शांति होर सही फैसले सैंघै राज्य होर अधिकार केरना।